दोस्तों मार्केट में काफी सारे स्मार्टफोन आ रहे हैं अलग अलग ब्रांड के, लेकिन उस समय हमारे समझ में बिल्कुल भी नहीं आता कि हम कौन सा सबसे अच्छा मोबाइल बाय करें। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मोबाइल में सबसे ज्यादा मेन होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर का काम होता है कमांड देना। जैसे ही आप कमांड दोगे वो वैसा ही आपको काम करके देगा। जी हाँ, प्रोसेसर यानी पावर देना, यानी आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जी हाँ, आपके स्मार्टफोन में अगर आपका प्रोसेसर लो क्वालिटी का है तो आप गेमिंग करते हो, मल्टीटास्किंग, वीडियो, फोटो, एप्लीकेशन जरूरत से ज़्यादा नहीं कर पाओगे। अगर आप ऐसा करते हो फोन आपका हीट करने लगेगा, हैंग हो जाएगा आपका फोन, और आप जो भी गेम प्ले करोगे लैग करने लगेगा। और अगर आपका स्मार्टफोन का प्रोसेसर हाई क्वालिटी का है तो आप गेमिंग, मल्टीटास्किंग, वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल स्मूथ कर पाओगे बिना लैग किए हुए, बिना हैंग किए हुए, और आपका फोन हीट भी नहीं करेगा दोस्तों। तो चलिए अब जानते हैं कि प्रोसेसर कैसा होता है और कैसे काम करता है। मोबाइल में प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें एक चिप लगी होती है। मोबाइल फोन प्रोसेसर से पावर लेता है और जल्दी जल्दी काम करके देता है। जितना अच्छा प्रोसेसर रहेगा वह उतना ही अच्छा आपको काम करके देगा। एक प्रोसेसर की परफॉर्मेंस हार्ड एज, किलो हार्ड एज, मेगा हार्ड एज से मापी जाती है। शुरुआत में जब फोन आए थे तो 400 मेगा हार्ड, 500 मेगा हार्ड का प्रोसेसर यूज किया जाता था, फिर बाद में 700-800 मेगा हार्ड का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो अब जानते हैं प्रोसेसर कितने प्रकार के होते हैं। के प्रोसेसर कई प्रकार के होते हैं। सिंगल कोर प्रोसेसर, ड्यूल कोर प्रोसेसर, हेक्सा कोर और ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको सुनने को मिले होंगे आपके स्मार्टफोन में। दोस्तों अब इस समय 8 कोर वाले प्रोसेसर स्मार्टफोन में आ रहे हैं जो कि सबसे फास्ट और मोबाइल फोन के लिए बेस्ट रहेगा। प्रोसेसर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपके मोबाइल को देगा। देखिए ज्यादातर मोबाइल में आपको ये प्रोसेसर देखने को मिलेंगे जो कि सबसे बेस्ट है। क्वालकॉम, मीडियाटेक, स्नैपड्रैगन, एक्सिनोस, ये सब प्रोसेसर देखने को मिले हैं। दोस्तों अगर आप नया फोन बाय कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको ये प्रोसेसर देख के ही बाय करना चाहिए। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं आपको कौन सा प्रोसेसर। A15 बायोनिक, A14 बायोनिक, स्नैपड्रैगन 888 प्लस, स्नैपड्रैगन 800, एक्सिनोस 100, स्नैपड्रैगन 870। ठीक है, और अगर आपका बजट कम है तो आप इस हिसाब से भी आपके बेस्ट प्रोसेसर है भाई वो चुन सकते हो। ठीक है, देखिए अगर आप 10,000 के अंडर के अगर आप फोन बाय करते हैं तो आपको दो बेस्ट प्रोसेसर बताऊंगा। पहला स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 के साथ, नंबर 2 मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस 5G के साथ। 15,000 के अंडर का फोन बाय कर रहे हैं तो दो बेस्ट प्रोसेसर देख लेना आप अपने मोबाइल में। स्नैपड्रैगन 6 Gen 1, नंबर 2 है मीडियाटेक डायमेंसिटी 755G। ठीक है, अगर आप 20,000 के अंडर में अगर फोन बाय कर रहे हो तो आपको तीन प्रोसेसर बताऊंगा उनको देख लेना है। स्नैपड्रैगन 7 5 Gen 2, नंबर 2 मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 5G, और नंबर 3 है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 5G। 25,000 के अंडर में अगर आप फोन बाय कर रहे हो तो तीन बेस्ट प्रोसेसर आपके लिए बहुत ज्यादा रहने वाले। नंबर 1 मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 5G, स्नैपड्रैगन Gen 3, नंबर 3 है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8300 5G। 30,000 के अंडर में अगर आप फोन बाय कर रहे हो तीन बेस्ट प्रोसेसर रहेंगे। नंबर 1 स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3, स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना बेस्ट प्रोसेसर वाला मोबाइल हमने कौन सा बाय करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलेंगे अब आपको अगली नेक्स्ट टेक वीडियो में नई कैटेगरी के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।